तो दोस्तों पाइथन कोर्स में आप सभी का स्वागत है जैसे आप सभी को मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों सीखना चाहिए वो सभी मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस में कवर कर चुका हूँ अभी जो ये हमारा फ्रेश ट्वेंटी ट्वेंटी का कोर्स बिगिन होने वाला है ये वाले कोर्स में मैं आपको बताऊँगा कि पाइथन आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है क्या क्या इंस्टॉलेशन जरूरी है उसके साथ क्या सॉफ्टवेयर चाहिए वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा तो पाइथन डाउनलोड आप सिंपल सर्च करेंगे गूगल में जाके तो पहला लिंक आ जाएगा मैं अभी फिलहाल मैक में यूज़ कर रहा हूँ आप लोग विंडोज में यूज़ कर रहे हैं विंडोज लैपटॉप में तो विंडोज लैपटॉप में ये डाउनलोड कर लीजिए जो मोबाइल वाले यूजर्स हैं वो थोड़ा सा वेट कीजिए कुछ सॉफ्टवेयर के नाम मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में तो पाइथन का जो भी लेटेस्ट है आप पाइथन थ्री डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे जाएंगे तो थोड़ा पुराना वर्जन भी आपको मिल जाएगा तो 3.9 आप इंस्टॉल करेंगे तो अच्छा रहेगा 10 में कुछ बग हो सकते हैं इसीलिए 3.9, 3.8, 3.7 आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं तो ये डाउनलोड करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे विंडोज़ दिखाई दे रहा है विंडोज़ पे आप क्लिक करेंगे तो विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद ये सारा चीज़ मिल जाएगा सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो लिंक को ओपन करके आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं अभी बात करते हैं कि ये पाइथन तो इंस्टॉल हो गया अभी यहाँ पे हमें एक कंपाइलर चाहिए जहां पे एक्चुअली में हम लोग कोड कर रहे होंगे उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वी एस कोड या फिर जुपिटर तो वी एस कोड बहुत लोग यूज करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो वी एस कोड मैंने जैसे सर्च किया तो ऐसा ऐसा स्क्रीन आ जाएगा इनके वेबसाइट में जाके कोड डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ठीक है विंडोज के लिए है मैक के लिए है लिनक्स के लिए सभी के लिए मिल जाएगा तो अदर प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे देखो विंडोज का मिल रहा है यहाँ पे जो भी आपका है सिक्सटी फोर बेट या फिर थर्टी टू बेट रेस्पेक्टिव बेट के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं गॉट इट उसके अलावा अभी जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए दैट इज जुपिटर या वी एस कोड या फिर जुपिटर वी एस कोड में कर सकते हैं बट जुपिटर में आपको यूज करने में अच्छा लगेगा तो जुपिटर डाउनलोड करने के लिए आप एनाकोंडा डाउनलोड करके उसके अंदर आप जुपिटर डाउनलोड कर सकते हैं अदरवाइज डायरेक्टली आप जुपिटर कर सकते हैं तो एनाकोंडा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एनाकोंडा डाउनलोड ओके तो जैसे ही मैंने एनाकोंडा डाउनलोड किया तो इंडिविजुअल एडिशन आ जाएगा यहाँ पे डाउनलोड करेंगे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस आपको ये लग सकता है इनिशियल फेज में कि हाँ ये डाउनलोड करो फिर उसके अंदर डाउनलोड करो थोड़ा सा ज्यादा डेटा भी कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन कलर का ऐसा एनाकोंडा का लोगो दिखेगा बट नहीं मैं फिलहाल आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग जुपीटर डाउनलोड करेंगे तो जे यू पी वाई टी ई -e आर जुपिटर नोटबुक डाउनलोड अदरवाइज इसका और एक ऑनलाइन अल्टरनेटिव है जो कि है गूगल कोलैब तो जुपिटर नोटबुक यहाँ पे ऐसे डाउनलोड दिखेगा आपको यहां पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल का ऑप्शन में आपको टर्मिनल में जाके ये चीज कर लेना है टर्मिनल कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूं टर्मिनल मतलब आपका विंडोज में रहेगा कमांड प्रॉम्प्ट ओके तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको सिंपल टाइप करना है पेप इंस्टॉल जुपिटर लैब ये जुपिटर लैब के लिए ये वाला डाउनलोड करना है अगर आपको जुपिटर लैब नहीं चाहिए तो आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं यहां पे देखिए जुपिटर नोटबुक तो आपको करना है पिप इंस्टॉल नोटबुक ओके मैं स्क्रीन को ऐसे बड़ा कर देता हूँ पिप इंस्टॉल नोटबुक ओके नोटबुक करने के बाद आप सिंपल जुपी जुपिटर नोटबुक आप क्लिक करेंगे मतलब एंटर करेंगे तो जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा तो मैं मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मैं और नहीं करूंगा ये आपको कहाँ पे करना है ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके करना है कहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट एक ब्लैक कलर का स्क्रीन दिखता है आपको वहां पे जाके ओपन करके करना है यहाँ पे भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कमांड Prompt in Windows. तो आप जैसे सर्च बार में जाएंगे ना तो सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा ऐसे ब्लैक कलर का दिखेगा कमांड सी एम डी डॉट ई ये ओपन कर लेंगे नहीं होता है तो आप बताइए कमेंट में फिर आ, और क्लासेस में हम लोग इसको कवर कर लेंगे तो यहाँ पे मैं फिलहाल जुपिटर नोटबुक करता हूँ जुपिटर नोटबुक मैंने एंटर किया अभी यहाँ पे ओपन हो जाएगा मेरा ठीक है जुपिटर नोटबुक ब्राउजर में ओपन होता है ये चीज तो ये, मेरे ब्राउजर में जो मैंने ब्राउजर ओपन करा हुआ है ये ब्राउजर में सिंपल ही ओपन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नोटबुक ऐसा स्टार्ट हो रहा है इसको क्लोज कर देता दिस इज नोटबुक नोटबुक ओके तो मेरा बिल्कुल स्टार्ट हो गया सारा चीज यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करूंगा न्यू में न्यू में पाइथन थ्री करूंगा क्लिक तो न्यू नोटबुक मेरा क्रिएट हो जाएगा ये नोटबुक में एक्चुअली हम लोग कोड कर रहे होंगे सारा चीज एकदम एंड स्टार्टिंग टू एंडिंग सब चीज आपका इसी में कवर हो जाएगा ये स्क्रीन को भी मैं जूम कर देता हूं कुछ भी लिखेंगे जैसे प्रिंट स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने पहले सिखाया था अभी भी फिर फिर से शुरू से सब चीज सिखाया जाएगा और थोड़ा सा जल्दी कवर होगा बहुत सारे क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने हैं तो प्रिंट मैंने लिखा यहां पर लिखता हूं हेलो वर्ल्ड ओके हेलो वर्ल्ड कोड आप सभी को पता है इसको रन करना है शिफ्ट एंटर तो रन हो जाएगा कुछ मुझे इनपुट लेना है तो एक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ एंटर ए नंबर ओके फिर उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा द एंटर्ड नंबर इज यहां पे फिर प्लस करके या फिर कॉमा करके भी कर सकते हैं मैंने आपको सब चीज़ ये सिखाया हुआ है ऑलरेडी ओके इसको रन करते हैं एंटर ए नंबर फाइव मैंने एंटर किया द एंटर्ड नंबर इज फाइव समझ में आ गया तो कुछ इस तरीके से आप लोग प्रोग्राम को रन कर पाएंगे जुपिटर नोटबुक तो मैंने फिर से मैं बता देता हूँ विंडोज यूजर के लिए आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है डाउनलोड करना है पहला चीज है पाइथन पाइथन को डाउनलोड कर लो इंस्टॉल कर लो उसके बाद वी एस कोड कर सकते हो वीएस कोड का अल्टरनेटिव है जुपिटर नोटबुक ये पाइथन बहुत अच्छे से काम करेगा और मेरा भी पर्सनल फेवरेट है जुपिटर नोटबुक तो आप जुपिटर नोटबुक ऐसे डाउनलोड कर लोगे जो सिस्टम मैंने बताया कि पिप इंस्टॉल जुपिटर पिप इंस्टॉल नोटबुक आप करोगे हो जाएगा या फिर जुपिटर लैब भी कर सकते हो ऑलमोस्ट सेम है नहीं काम करता है पिप का कमांड तो बताइए उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे या फिर एनाकोंडा है एनाकोंडा डाउनलोड करके भी कर सकते हो ये मैंने नोटबुक बना लिया नोटबुक बनाने से ऐसा आएगा इसको रीनेम करके आ, सपोज क्लास वन ऐसे करके रीनेम भी हम लोग कर सकते हैं ठीक है कंट्रोल लेस करेंगे सेव भी हो जाएगा तो सब चीज़ एकदम बहुत अच्छे से काम करेगा ऑटो सेव काम करता है फिर आप इसको डाउनलोड करना चाहिए पी में तो पी में डाउनलोड कर सकते हैं एच टी एम बहुत सारा फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हो गया अभी थोड़ा सा बात करते हैं मोबाइल यूजर्स के बारे में मोबाइल यूजर्स क्या करेंगे पाइड्रॉयड नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है उसके अलावा भी और सारे सॉफ्टवेयर से मैं आपको बताता हूँ पहला है पाइड्रॉयड थ्री तो पाइड्रॉयड थ्री प्ले स्टोर में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए ईजी इंटरफेस है आप लोग सीख जाएंगे यहाँ पे जैसे इमेजेस वगैरह आप देख पा रहे हैं ना इमेजेस वगैरह लोड करूंगा तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे आप टाइप कर सकेंगे जो मोबाइल यूजर्स बोल रहे थे ना कि मैं मोबाइल में हूँ कैसे करूँगा कोड तो मोबाइल में आप ऐसे कर सकते हैं इनपुट आउटपुट ग्राफ्स बहुत सारा चीज़ होता है इंपोर्ट वगैरह भी आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे ओके लगभग लगभग जुपीटर नोटबुक जैसा आपको ये चीज़ दिखेगा स्टार्ट यूजिंग दिस अदरवाइज डिकोडर डिकोडर नाम का एक सॉफ्टवेयर है हाँ डिकोडर डॉट टेक ये ऑनलाइन में भी है प्ले स्टोर में भी है प्ले स्टोर में अगर आप इसको ओपन करेंगे कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ ये हो गया पाइड्रॉयड थ्री पाइड्रॉयड थ्री के बाद डिकोडर ये ब्लैक कलर का ऐसे लोगो इसका है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक है सोलो लर्न सोलो लर्न तो सोलो लर्न यहाँ पे ओपन करेंगे ऑनलाइन भी इसका प्लेटफॉर्म है प्ले स्टोर में कैसा दिखता है ये देख लीजिए इसको ओपन करेंगे इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है एस टी एम एस एसथन सी सी प्लस प्लस सभी चीज कर सकते हैं आपको पाइथन सिलेक्ट कर, कर लेना है ये वाले सॉफ्टवेयर में सोलो लर्न आपको दिख रहा है लर्न टू कोड यहाँ पे शो हो रहा है समझ में आ गया तो पाइथन इंस्टॉल करो लैपटॉप यूजर्स वी एस कोड इंस्टॉल कर सकते हो या फिर जुपिटर कर लो जुपिटर बेटर है अदरवाइज आप एनाकोंडा के ज़रिए से कर सकते हो मोबाइल वाले यूजर्स पाइड्रॉयड थ्री कर लेना डिकोडर कर लेना सोलो लर्न कर लेना ये तीनों में से कोई भी एक को डाउनलोड कर सकते हो तीनों भी कर सकते हो तो हम लोग कोडिंग शुरू करेंगे इससे पहले फ्लो चार्ट आपको समझाया जाएगा तो अगले क्लास में हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में बात कर रहे होंगे और हाँ जो लोग चाहते हैं कि मैं होमवर्क उनका चेक करूँ हमारे ट्रेनर्स चेक करें और वहाँ पे आपको सजेशन दे आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओ आप हमसे बात करो वीडियो कॉल कर सकते हो ऑडियो कॉल कर सकते हो उसके लिए एक पेड कोर्स हम लोग रन कर रहे हैं एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा वो लिंक को क्लिक करके अब बिल्कुल सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा ओके कुछ और डाउट है बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हो मिल रहे होंगे अगले क्लास में तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद